सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे मैगी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिया है। ये आलू लिया है 2 बड़े, और ये गाजर है, शिमला मिर्च 1 लिया है, और ये 100 ग्राम पत्ता गोभी है, और 1 बड़ा प्याज और 2 हरी मिर्च। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, 2 मैगी के पैकेट्स हैं, छोटे इप्पी के हैं, तो इसको मैं अभी काट के दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले तो हम ये आलू जो कटे रखे हैं, पतले पतले काटना है आलू को, और इसको हम तल के निकाल लेंगे। इसको हम गोल्डन कलर होते तक भूनेंगे, मतलब तलेंगे। बच्चों को क्या है, तले हुए आलू ज़्यादा पसंद आते हैं, और मैगी में आलू डाल दो तो बहुत पसंद से खाते हैं। तो ये देखिएगा, आलू तल के हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और 2 हरी मिर्च। इसको अब हम अच्छे से तलेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसका हल्का कलर चेंज हो जाएगा, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने इसलिए पहले डाल दिया है क्योंकि जो भी हम मसाले डालेंगे तो जल सकते हैं, इसलिए हमने इसमें पहले टमाटर डाल दिया है। तो इसमें मैंने 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, और इसमें आप डालेंगे रेड चिली पाउडर 1/4 स्पून। इसको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो रख दिया। इसमें हमने पत्ता गोभी डाल दिया है। पत्ता गोभी को सबसे पहले पकाएंगे क्योंकि ये थोड़ी कड़ी रहती है, और बच्चे अक्सर पत्ता गोभी सॉफ्ट पसंद करते हैं और बहुत से बच्चे कड़ी पसंद करते हैं, तो बच्चे को हिसाब से बनाइएगा। और ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया 1/4 स्पून। अब इसमें हम डाल देंगे गाजर। पत्ता गोभी को हमने हल्का सा सॉफ्ट होने दिया है, उसके बाद ही गाजर डाला है। ये गाजर डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे 1/4 स्पून, क्योंकि मसाले में भी नमक रहता है, तो ये वेजिटेबल्स के हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें। तो ये देखिए, हमने ढक दिया है जब तक हम आपको दिखा रहे हैं पैकेट काट कर। तो ये जो इप्पी के जो 2 पैकेट हैं, इसके अंदर एक मसाले का एक पैकेट आता है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हम इसको दूसरा भी काट के दिखाएंगे। दोनों को हमने काट के रख लिया है, और दोनों में एक एक पाव आए हैं। तो चलिए अब हम सब्ज़ी को देखते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है हमारी पत्ता गोभी और गाजर। तो अब इसमें हम डाल देंगे, 2 मिनट के लिए ढक के रखने के बाद में इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हम इसलिए लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसको भी हम थोड़ी देर चम्मच चला के 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अब ये हो गई है, अब देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी सॉफ्ट हो चुकी है ना। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने लिया है 4 कप पानी, क्योंकि 2 पैकेट हैं मैगी के, तो इसको हम उबाल आते तक इसको ढक के रखेंगे। तो देख लेते हैं, अब इसमें पानी में उबाल आ चुकी है। तो इसमें जो इप्पी के जो मैगी है, उसको अब हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी गोल पूरा डाल सकते हैं, बट ऐसे डालने से थोड़ा आसान रहेगा पकने में, तो इसलिए हमने इसको बीच से तोड़ दिया है। और ये पानी इतना काफ़ी है, बहुत अच्छे परफेक्ट पकेगी इतने पानी में। तो इसको अब हम अच्छे से हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और देखिए, मैगी को हमें अच्छे से ही पकाना है, कड़ी नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों को हम टिफ़िन में देते हैं, तो मैगी जो है अच्छी पकी हुई रहना चाहिए। तो इस मैगी को आप लास्ट तक देखिएगा, इसमें और भी मैं चीज़ें डालूंगी जिससे बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये मैंने अभी डाल दिया है यहाँ मैगी मसाला। ये हमने दोनों पाउच को खोल के रखा था, इसको हमने डाल दिया है इसमें। इसमें भी छोटे छोटे वेजिटेबल डले रहते हैं, और मैगी को
पकने में 5 मिनट लगेगा अभी। और ये हमने आलू लास्ट में डाल दिया है क्योंकि ये तले हुए आलू हैं, इसलिए हमने इसको लास्ट में यूज़ किया है। ये मैगी में जो आलू डले हैं ना तले वाले, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और बच्चे मांग मांग कर खाते हैं आलू मैगी में। तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं सोया सॉस 1 चम्मच, और ये डाल देंगे रेड चिली सॉस। बहुत ही स्पाइसी चटपटा बनने वाली है मैगी, बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर इस तरीके से बच्चों को खिलाइएगा बनाकर, और टिफ़िन में दीजिए और बड़ों को भी खिलाइए। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन चिली सॉस 1 स्पून, और अब डालेंगे हम इसमें बच्चों का फेवरेट सॉस टमाटो सॉस, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद रहता है ये। इसमें हम डालेंगे इसमें 2 स्पून डाल देंगे, ये बहुत बढ़िया टेस्ट को बढ़ा देगा मैगी के। तो इसमें अब हम चम्मच चला देंगे, ठीक से सॉस मिल जाएगा। तो इसको हम 2 मिनट के लिए अभी पकने देंगे क्योंकि जो हमने सॉस डाला है ठीक से मिल जाएगा। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है मैगी देखने में, ये देखिए अलग अलग है अभी भी, तो बहुत ही परफेक्ट पानी हुआ है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जब पानी डालते हैं तो उस समय हमें गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पे ही रखना है ना। तो ये देखिए बन के रेडी हो गई है हमारी मैगी। अब तो इसमें अब हम डाल देंगे 2 मिनट के लिए ढकने के बाद में, ये पनीर के कुछ पीसेस हैं उनको डाल देंगे हम, क्योंकि पनीर बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं तो इसमें डाल दो मैगी में तो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। ये हमने डाल दिया है। अब इसमें हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे, और इसे अब हम 2 मिनट ढक के रखेंगे, और अब हम इसमें सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। वाओ कितना ज़बरदस्त कलर आया है मैगी का, तो अब इसे हम सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।